हेलो जी, राम राम, राधे राधे। गुदारा फैमिली चैनल पर स्वागत है थार सारांगो। उम्मीद करा सारा ठीक होगा, मैं भी सारा ठीक कहाँ। तो आज दिन है शुक्रवार और सुबह को टाइम है, और यूँ पहले मैं रोटी राटी बना दी, बच्चे टिफिन पैक कर दिया तो वे गया स्कूल, और देवर जी रोटी बना दी, वे अभी रोटी आपकी खान ला रहे हैं। तो मैं सोचा चलो इतना भी मैं मलाई बढ़ी है कई दिन इकट्ठी करेड़ी, तो मक्खन बना दी और चाय पानी मैं दोनों बिना पी ली। चाय पी गया रानी तो कपड़ा धोन गई, और मैं ऐठा अभी आपको भी मलाई चला लूँगी, मक्खन बना लूँगी। मियाँ तो मैंने चूल्हे पर घी बनाना बढ़िया लगा, वो थोड़ा सो झंझट सो जे हैं, जिल्लो सो काम है। मक्खन बना के पहला घी निकालो, और चूल्हे पर यहाँ सागे साग अपना मलाई गर्म कर लिया नहीं तो घी बढ़िया बन गए तैयार हो है। पर चूल्हो आजकल भी अपन जगावा ही कोनी, कई दिन हो गया, तो अभी मिस्त्रियों काम हट जाएगा नहीं भी, बाद में फिर चूल्हे पर काम स्टार्ट करांगा। तो अभी अपना मक्खन है इसको बन जाओ भी है तो शेती बन जाए, 5 मिनट में भी चूंटियों घी आ जाए, पर बस बाद में गर्म करना, फिर भी ना ठंडो खत रखा, फिर भी वापस फ्रिज में रखांगा, फिर भी शाम ने वापस फिर गर्म करा जस जागे वो घी सेट हो गो। और इंग माँ में दही भी घेरिया थोड़ा सा आज, तो मक्खन अपना बन गए तैयार हो गया, बहुत बढ़िया मक्खन बने हैं। और अभी आप इन पहले तो गोपाल जी खातर अलग निकाल लेंगे, लड्डू गोपाल ने भोग लगाऊंगा, बाकी मैं देसी घी काट के रख दूंगी, फिर तपा लूंगी। और कई दिनों की मलाई हो जाए नहीं, फिर भी फ्रिज में भी यहाँ स्मेल से आने लाज जाए, फिर मैं ज़्यादा दिनों की इकट्ठी कौन करूँ, हफ्ते बाद मैं घी निकाल लूँ चाहे जितो भी घी आवे। तो लो जी अभी अपना मक्खन बन गए तैयार हो गया है, और अभी देखो लाडू सा बना लेंगा, और जैसे ही यहाँ लाडू बन जाए नहीं तो मतलब अपना मक्खन है जो एकदम बढ़िया है। तो अभी तो लै पशु रखा कौन ही, जब भी नॉलेज सारी है, क्योंकि पहला बहुत पशुओं को काम करेड़ो है, बहुत पशु आ पहला मेरे सासरे पीर में तो कौन ही आठा सासरे में आगे मैं पशुओं को काम सीखी सारो उठाई करन लगी, और कई कई बारी तो दो दो भी लोना ही करना पड़ जाता इतना ज़्यादा घी दूध हो पशुओं को। तो सब्जी आज बनाई है कालिया चीना की, और घी में रख दियो गर्म होने खातर, भी वो भी सिम कर दियो गैस, होला होला अपनों घी है जिसको वो बन गए तैयार हो जाएगा। और भी बाद में फिर भी चलो थाने करवार को राउंड करा लिया, तो रानी कपड़ा धो के सुखा दिया सारा, तो रानी अभी झाड़ू पोछो कर लेगी कपड़ा धो के, और भी धो तो लिया कपड़ा सारा, और आ टैंकी कण काले जकी थान सामने दिखा, आ रात में खाली कर दी सारी, तो बस इन चक्के एक साइड में लगाना लिया, तो आज उरे काम करेगा मिस्त्री। तो रात में रोटी खाया बाद में फिर सारी कण कह जकी वाह काट दी डोल मुँह, फिर भी इन कमरे में गिर के आया। तो अभी जब सेटिंग हो जाएगी सारी फिर इन भरांगा एक दिन, देखो कटा सेट करांगा। तो अभी टाइम है जी 8:30 बजे को, तो मैं बनाऊँ रोटी, तो अभी हर सगा पापा ना लिया, तो अभी मैं रोटी बना दूँगी वहाँ खातर, और घी भी सागे साग गर्म होन ला रही है। और ये अभी देखो लुगाई नहीं, हर स्थिति में हर भी जिसी भी हालात होने घर का, चाहे अच्छा हो चाहे माड़ा हो, पर लुगाई आपको घर है जिसको बहुत अच्छी तरह चलावे, बहुत भी मान ले भगवान भी शक्ति आई दी है भी आपको घर वो बहुत अच्छी तरह चला सका, आपको बच्चे ना अच्छी परवरिश दे सकें। तो देखो भी थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा हो या कि कोने भी ज़्यादा होगा, यदि भी घर में अच्छी चीज़ हो वह घर में सारों बड़ी बात है सुख शांति होनी चाहिए, पीस हम कोई वो कोने भी कम ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो देखो आप जे देख ला जा अपने कन बहुत ज़्यादा चीज़ें की कमी है, अगर आप संतुष्टि कर लें भी अपन भगवान बहुत दे रखे तो बीते में आप खुश रहना सीख लें। तो आपको जिसो भी घरे भी गुंजाइश है भी साहब आपकी ज़िंदगी है जो कि आपको जी लेना चाहिए। तो अभी मैं बस रोटी राटी सारी बना ली, तो स्लेब वगैरह गैस वो साफ कर दूंगी और सारो काम कर लियो, बस अभी बर्तन रह गया मेरा धोने वाला, तो वे बर्तन धोऊंगी पहला, मैं सोचो गैस वगैरह साफ कर दी। और रानी झाड़ू लगाने ला रही है, झाड़ू लगा के फिर पोछो लगाओगी, तो हर से पापा जी ने रूम में बैठे जिदन ओलो काट रखे है। तो 10:10 होगी, बस अभी काम कुम करके मैं तो नहा ली, अभी रानी नहाँगी भी बाद में फिर रोटी राटी खाऊंगा, और कपड़ा उतार के रख दिया सारा बिना बारह आज काम ला रहे हैं, तो उरे तो बहुत ज़्यादा उड़ो क्योंकि परले पासों फर्श फटे है, तो फिर कपड़ा मेरे उतार गई और उड़े सुखा दिया देखो बेड पर, ऊपर पंखों चला दियो, और आधा जगह सूख गया वेलने रख दिया, तो बस शाम तक प्रेस कर लिया वहाँ सूख जाएगा शाम तक। और अभी उस रानी नाली भी बाद में पकाऊंगा रोटी राटी, मेरे देखो टिफिन सी होगी, बस ये है जो धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाए नहीं तो बहुत ज़्यादा फेस ख़राब हो जाए मेरा, टिफिन सी हो रही है उधर। और अभी मैं बस वीडियो काम करूँगी, फिर 11 बजे चाचू बना के देऊँगी, ठीक है जी। दोबारा कोई एक करेलो मारा मैं, फिर मिलूँ थान थोड़ी देर बाद में, ओके बाय। तो रोटी जिम लियो सारा जना, चीना की सब्जी है, लासी सलाद रोटी, तो मैं भी अब बस रोटी खा लूँगी। तो अभी टाइम है दोपहर को, रानी प्रेस करने ला रही है, अभी आधा कपड़ा सूख रहा है तो वहाँ पर प्रेस कर देगी, और फिर आधा पर प्रेस करके पंखे नीचे वापस सुखा देंगे, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़न ला रही तो है। दो बच गया, रानी प्रेस करन ला रही है, और आधी आज आ गए स्कूल, इंगा पेपर चल गया, आज आज पेपर हो गए तेरे, दो तीन हो गए,
आज दूसरा हो गए किसो को है फिर पेपर तेरे हो वो तो रिजल्ट बता दिया वो तो अभी रोटी खा ली अन तो आगे दही रोटी खा ली तो मैं अभी बनाऊंगी चाह मिस्त्रियाँ चाह टेक दूंगी सागे हर्ष और कशिश बे आने वाला है सवा दो बजे तक आ जाएगा तो मैं देखा बे के खा पिएगा आगे और सागे लड्डू को दूध गर्म कर दूंगी। आजकल नहीं आगे रोटी खाने फोन करा बच्चा क्योंकि मौसम ही बदल गया अभी रोटी सिखाए भी से फोन करा। हाँ मन ही हो जी आज चीज़ पड़ी है फिर रोटी राटी अच्छी कौन लागे ठंडी रोटी तो अच्छी कौन लागे ठंडी तो आपको खावा ही कौन अरे फिर भाई सब्जी सुबह हो भाई टाइम आ गए आदि टिफिन में कही है अनार खा के कौन आई आज अब खा ले ही सही पड़े अभी तो ना भी पति है थोड़ी देर रुक गए खा ली अभी रोटी खाई है मैं तो सूखी चीना की सब्जी आज तो बनाई को नहीं चीना कल तो शनिवार है ने मैं तो कल की तो छुट्टी है ये जगह तो बर्तन धोगे रखे है आगे स्कूल में यह क्या हो रहा है भैसा यह मुँह यहाँ से क्या हो रहा है आज गर्मी लग गई के बाद कोई तबीयत खराब तो कोई नहीं हो रही यह तो पैसे है दाना ने हड गोडा सा टूटा मैं थकावट होगी उन्हें के खाओ इन्हें अपने बेर बन के खाओ तो घी गर्म होने खातर रख दियो अब अपना घी अज को वो चंगी तरह तैयार हो जाएगो तो फिर मैं इन ऊपर ऊपरों तो छान गए एर भी डब्बे में गाल के रख दूंगी और जो नीचे बच्चे को बिन मैं अलग कटोरी में गाल दूंगी तो वो आप पहला बरत लियाँगा वो घी अज को डब्बा वालों बाद में बरत लियाँगा तो अभी घी बनने ला रहा और सागे मैं फिर दूध चढ़ा दियो तो दही जमावगा आएंगी तो आजकल बच्चा दही वधिया लागा तो मैं सोचा चलो अभी दही जमा दे करांगा तो वो डब्बो मैं साफ कर रखे घी वालों तो मैं आप घी गाल देंगे छान गए तो सब्जी रानी बंदार दी आज आलू बड़ी सब्जी बनावगा तड़को चीर रखे बस लहसन कुटन वालों है तो पहला मैं घी छान दूँ डब्बे में गाल के रख दूँ भी बाद में फिर लहसन कूट के और फिर मैं सब्जी चढ़ा दूँगी तो ई प्राइवेन में सब्जी चढ़ा दूँगी घी वाला में साग आज घी को तड़को लगा दूँगी भी बढ़िया फिर मैं कोई दोऊँगी फिर बाद में फिर मैं सोचा चलो इमें भी तड़को लगा दूँ और देसी घी की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने भी हैं तो पहला मैं देसी घी में ही बनाता बाद में मेरा हाथ खराब हुआ जब ढक ढाँ के भी देसी घी कौन खाणो भी थे तेल को तड़को खाया करो जब का मैं फिर तेल को तड़को लगाने लग गया नहीं पहला मैं हमेशा ही देसी घी में ही तड़को लगाना था तो हींग जीरो को तड़को मैं लगा दूंगी और सागे भी जो भी आप लहसुन प्याज कूट रखे तो भी मैं घेर दूंगी और आलू बड़े की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने और आज तो देसी घी में बनाई है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी बच्चा ने कह दिया आज खुशबू अलग सी आन ला रही है सब्जी की तो मैं देसी घी की सब्जी स्वाद बनाया भैया थोड़ी सी फिक्की सी तो लाग भूख रहा है पर बनाया बढ़िया है सब्जी तो बाकी घी मैं इसको कटोरी में गाल के रख दियो तो ठंड हो जाए फ्रिज में रख देंगा तो इला पास तार अड़करी मैं थोड़ा सा बिना चिमनी का नहीं करे इन्हें इंडक्शन ने क्योंकि फिर नहीं ज़्यादा इन्हें धूं सो जाए और चिमनी का नहीं आप करके तड़को लगावा नहीं तो फिर चिमनी खींच लिया सारो तो बस अभी मैं सब्जी तड़को लगा दूंगी रानी आप आटो लगा लेगी दो चार बर्तन है जो भेद हो लेगी तो शाम को रूटीन है जो अपनों शेयर अभी शुरू हो चुके हैं शेयर को शुरू हो चुके हैं तो थे वीडियो में लास्ट टाइम बनाया रही हो फुल वॉच कर लियो लाइक शेयर कर दी और जो भी चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और बेल आइकन ने भी प्रेस कर दिया करो ता जो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है जो थार तक पहुँच सके। Thank you.
तो अभी बच्चों दे रोटी खा लिए। सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, अच देखने में जो लगे जी। जी सब 8 बजे को टाइम है, तो बर्तन वांडा धो लिया, रोटी राटी खा ली, सारो काम कर लियो, रानी और गैस सैर कर। तो मैं उरे बस आप राउंड लगा लूँगी 2-4, और दूध गर्म करके रख दियो बच्चे अंदर ही, तो वे पी लियागा। फिर वे जिका दूध वाला 2-4 गिलास है वे धो के रख देंगा। तो ठीक है जी, फिर उरे ही अपनी वीडियो को एंड भी कर दें। कल मिलेंगे थाने एक नई वीडियो से, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, गुड नाइट।